Realme UI 1.0 एंड Android 10 का सॉफ्टवेयर अपडेट Realme C1 डिवाइस को कैसे मिली, ऐसे बहुत सारे कमेंट हैं मेरे दोस्तों के। सो मैं इस वीडियो में बात करूंगा Realme C1 के न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में, Realme UI 1.0 Android 10 का OS 7 का अपडेट Realme C1 में हमें कैसे मिलेगा, क्या करना होगा प्रोसेस, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है सो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, उसके बगल में जो बेल का आइकन आ रहा है उसको भी प्रेस कर लेना। सो यहाँ पे बेसिकली बात करूँगा आप किस प्रकार से Realme UI अपडेट Realme C1 के डिवाइस में पा सकते हो। सो आपको क्या करना है, आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद रियलमी की कम्युनिटी वाली वेबसाइट पर जाना है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, आपको Realme UI कम्युनिटी करके वेबसाइट मिलेगा जहां पर आपको एक अच्छा सा कमेंट करना है। कमेंट में लिखना है अपने करंट के वर्जन के बारे में और मॉडल नंबर के बारे में, वहाँ पे कमेंट में लिखना है। उसके अलावा लिखना है कि आपको Realme UI Android 10 वाला अपडेट चाहिए। वहाँ बहुत सारे कमेंट भी होंगे, वहाँ पे आपको लिखना है कि Realme UI ColorOS 7 Android 10 वाला अपडेट Realme C1 के लिए चाहिए हमको। ये लिख करके आप कमेंट को कर दोगे, वहाँ सेंड कर दोगे। उसके बाद वो कमेंट रिव्यू करेंगे Realme UI वाले, यानी कि Realme वाले जो कम्युनिटी गाइडलाइंस वाले थे, कम्युनिटी वाले वो लोगों के पास ये कमेंट जाएगा, वो इस कमेंट को देखेंगे। और ऐसे बहुत सारे भाइयों के कमेंट होंगे वहाँ ऑलरेडी, आपको भी वहाँ पे कमेंट कर देना है ज़्यादा से ज़्यादा। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उस हिसाब से वो कमेंट देख कर इस पर कार्य भी कर सकते हैं और आपको Realme UI ColorOS 7 Android 10 का अपडेट मिल सकता है। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। सो आपको ये सब कुछ फॉलो कर लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको Realme UI का अपडेट मिलने का चांस रहेगा। बहुत बेसिक सा है, आप कर सकते हो अच्छे से। उसके अलावा कोई चांस नहीं है कि आपको Realme UI Android 10 वाला अपडेट मिल जाए। यही एक ऑप्शन है कि आप या तो उनके व्हाट्सएप पर चैट करें या वेबसाइट पर जाके उनके कमेंट में ऐसी कुछ डिटेल अपने फ़ोन के बारे में दें और बता दें कि हमको Realme UI सॉफ्टवेयर अपडेट की ज़रूरत है, उस हिसाब से वो आपको सॉफ्टवेयर अपडेट प्रोवाइड करा देंगे। सो ये जानकारी देने के लिए यह वाला मैंने वीडियो बनाया था, क्योंकि बहुत सारे लोग दोस्त कमेंट कर रहे थे कि Realme UI अपडेट Realme C1 को मिलेगा या नहीं मिलेगा। बेसिकली बता दूँ मैं आपको, कोई भी अपडेट Realme C1 को देखने के लिए नहीं मिलने वाला है, यही एक चांस है। इसी से आपको Realme UI सॉफ्टवेयर अपडेट मिलने के चांसेस हैं, तो इसको आपको फॉलो कर लेना है। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इस वाले अपडेट के अंदर बहुत सारे फीचर्स को इन्वॉल्व किया गया है, इस वजह से ये अपडेट बहुत बड़ा हो गया है, यानी कि ये 2 GB से अपर आने वाला है, क्योंकि अंदर ColorOS बहुत से चेंजेस किए गए हैं, बहुत से फीचर्स को ऐड किया गया है। और यहाँ पर Android 9 से Android 10 की तरफ जाती है, उसके अलावा ColorOS 6 से 7 की तरफ जाती है। इस वजह से ये अपडेट बढ़ा है और बहुत सारी फीचर्स को इन्वॉल्व किया गया है, सिस्टम को ऑप्टिमाइज़ किया गया है, ColorOS 6 से 7 कर दिया गया है। इस वजह से ये अपडेट बहुत बड़ा है और इसको हमें पूरा डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करें, तब हमारे फ़ोन का स्टोरेज करीब 3 से 4 GB खाली होना चाहिए, रैम 1 GB खाली होना चाहिए, ये मिनिमम रिक्वायर्ड है। फ़ोन 60% से अबव चार्ज होना चाहिए, यदि ऐसा नहीं होता है तो आपके फ़ोन के अंदर यह इंस्टॉल नहीं होगा। अगर इंस्टॉल होगा और आपका फ़ोन कम चार्ज है तो आपका फ़ोन डेड भी हो सकता है, इसलिए 60% से ज़्यादा चार्ज को रखना चाहिए फ़ोन को जब आप सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हो अपने डिवाइस के अंदर तब। और कुछ थोड़े बहुत लैग्स बग्स भी एप्लीकेशंस के अंदर देखने को मिल सकते हैं एप्लीकेशंस के अंदर, क्योंकि यह अभी बीटा टेस्टिंग में है। जब यह स्टेबल अपडेट में आएगा तो ये भी चीज़ें आसान से निकाल दी जाएंगी, ठीक है। सो इस वजह से वहाँ पर हैंगिंग लैगिंग भी देखने को मिल सकती है थोड़ी बहुत एक आधे एप्लीकेशन के अंदर। इसको स्टेबल अपडेट में रिलीज किया जाता है, उसके बाद ऐसी कोई समस्याएँ बिल्कुल भी नहीं आती हैं। सो यही इन्फॉर्मेशन देने के लिए यह वीडियो बनाया था मैंने। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को फटाफट से एक लाइक कर दो, चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, उसके बगल में जो बेल का आइकन है उसको ऑल पर प्रेस कर लेना, ताकि मेरी जो नई वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। सो इसी बेसिस पर मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, सो इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिनको मैं अच्छी से अच्छी वीडियोस देने की प्रयास करता हूँ। सो मिलते हैं फर्दर वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फॉर COVID-19। सो